गई है कयामत की रात। मैं हूं नागिन। क्या हुआ? क्या हुआ? दुख बांटने से कम होता? कुछ दुख बांटने से बढ़ भी जाते। माँ बाबा की याद आ रही है ना? माँ ने बताया मुझे कि उनकी हत्या हुई थी और कातिलों को अब तक सजा भी नहीं मिली। हाँ, पर देखो ना, इस फिल्म के कातिल। फिल्म के कातिल? हाँ, यही देख के तो रोना आ गया था। ऐसी कौन सी कहानी है जो तुम्हें रोना आ गया? एक लड़की की कहानी है। कुछ लोग उसके माँ और बाबा की हत्या कर देते और फिर वो लड़की उनसे इंतकाम लेती है। हर इंतकाम की कहानी वही होती है। ये कहानी थोड़ी अलग है। उस लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से होती है जिसके पिता ने उस लड़की के माँ और बाबा की हत्या की। कौन सी फिल्म है ये? नाम नहीं पता मुझे, मैंने बीच से ही देखी, अंत तक नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, मैं मेन्यू देख के बताता हूँ। ये फिल्म, इस कहानी में वो मोड़ बहुत दिलचस्प आएगा कि आखिर वो लड़का क्या करेगा जब उसे सच पता चलेगा। क्या वो अपनी बीवी का साथ देगा या अपने पिता को बचाएगा? और उस बीवी की कश्मकश भी देखो, एक तरफ उसे माँ बाबा के कातिल और दूसरी तरफ उसका पति। सुपर ट्विस्ट। ऐसी कहानी है ना 100 करोड़ के क्लब में ऐसे पहुंचती है, क्योंकि तुम जैसी औरतें इसे देखते ही इमोशनल होकर और रोती रहती हैं, जैसी कहानी फिल्म की नहीं अपनी चल रही। देखने लायक होगा कहानी का वो मोड कि आखिर पति किसका साथ देगा। तुम साथ दो ना दो, मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। शुरुआत हो चुकी है, मेरा अगला वार होगा सूरी पर। मैं फ्रेश होकर आता हूं। कॉकरोच, तुम्हें इससे डर लगता है? तुम्हें नहीं लगता? कितने डरावने होते हैं, देखो 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 इनके पंख, देखो कितने डरावने। अगर आदमी को उड़ के काटे ना, समझो आदमी खत्म। औरतें सबसे ज्यादा इनसे डरती है, पता है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई शेर देख लिया। अरे शेर नहीं, सवा शेर होते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम जाके भगाओ इसे। अभी भगा क्यों, मुझे किसी से डर नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, तुम चली गई तो मुझे कौन बचाएगा? मेरे साथ ही रहना प्लीज, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक ही बेड पे है ना वो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसी साइड पे रहूंगा, 1 इंच भी नहीं लूंगा, प्रॉमिस। झूठ बोला था ना? क्या? तुम्हें कॉकरोच से डर नहीं लगता? लगता है? नहीं लगता। बहुत लगता है। नहीं लगता है? लगता है। लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र बहुत ज्यादा हो रही है। सोच रहे हो कि अभी अभी इतना रो, फिर किसी बात पर रोने ना लग जाओ, या फिर कोई बुरा सपना है। मेरी इतनी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लगता है अब शिवन्या मेरे दिल की बात समझने लगी है। अब आगे से ध्यान रखना होगा। शेषा मंदिर में ही होगी, मुझे भी जाना होगा। Oh.
शिवन्या इतने रात को अकेली कहाँ जा रही है? माँ बाबा की तस्वीर ऋतिक ने कहाँ रख दी? कहीं मिल क्यों नहीं रही? शायद अलमारी में होगी। क्या ढूंढ रही हो? ब्यूटीफुल वाइफ? वो मेरा मंगलसूत्र कहीं खो गया, कल कहीं निकाल के रख दिया था, अभी मिल नहीं रहा। इसका मतलब तुमने मुझे खो दिया? ये लो, तुमने मुझे वॉशरूम में बेसिन के पास रख दिया था। ये मैं ही तो हूं तुम्हारा पति। इतना कीमती पेश कीमती, इसमें मेरी जान बसती है और तुम्हारा सुहाग बसता है। ये लो, इसे बेसिन के पास नहीं, तुम्हारे दिल के पास रखना चाहिए। इसे पहन लो और दोबारा कभी उतारना मत, ओके? तुम्हारे माँ बाबा की फोटो फ्रेम कोई लेके आएगा। माँ बाबा की फोटो कहाँ, किसके पास है? वो मैंने फ्रेमिंग के लिए दी थी, आज मिल जाएगी, उसे हॉल में लगाएंगे। हॉल में? हाँ, मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था कि इस दीवार पर लगाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हॉल में ही लगाएंगे। मेरे मॉम डैड की तस्वीर भी हॉल में ही, तो तुम्हारे पेरेंट्स की तस्वीर भी हॉल में ही लगनी चाहिए। मैं उनकी बहुत याद आती है, आज नजरों के सामने रहेगी। धोती है या चाइना की वॉल, पता नहीं कहां से पकड़ूं और कहां से डालूं। ये माँ की जिद भी ना बड़ी अजीब होती है, पहले यज्ञ में बैठो फिर ये धोती पहनो। पता नहीं लोग धोती बनाते क्यों हैं। हंस लो हंस लो, पिक्चर चल रही है ना यहाँ पर, तुम भी हंस लो। मैं माँ को जाके अभी बताता हूँ कि ये धोती मुझसे नहीं होती। क्या कर रही है, उड़ी तो शर्म कर, कहीं भी गिर जाती, गिरी हुई कहीं की। तुम कहो तो मैं पहना दूं? हैं? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्यों, अंदर कुछ नहीं पहना है क्या? ओहो, अंदर की बात, तुम कहो तो अंदर चले। पहनानी है तो बोल। पहनानी आती है तो बोलो। आती है? आती है तो पहनाओ ना, दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ, देखो धोती। सेक्सी होती है। ये भगवान, क्या हुआ, धोती तो बन गई। अब नहीं, वो प्रसाद में रखने के लिए खीर चढ़ाया था, दाना भूल ही गई। खीर बन गई, चक्कर बताइए ना कैसी बनी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। वो एक्चुअली मुझे खीर पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, नाराज क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, और तुमने बनाई है ना, देखना पूरी की पूरी चढ़ जाऊंगा। यम्मी, बहुत टेस्टी बनाई है। ओके चल, मेरी धोती बैलेंस बना के रखना, गिर मत जाना, मेरी इज्जत का सवाल है।
अब मैंने तुम्हें खीर में जहर डालकर खिला दिया है ऋतिक, अब मैं देखती हूँ तुम महाकाली के यज्ञ में कैसे जाते हो, और अब शिवन्या को भी यज्ञ में नहीं जाना पड़ेगा।